नमस्कार दोस्तों। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ब्लड कंटेनर के बारे में, जो कि आपको पता है कि जो ब्लड कंटेनर होते हैं वो बहुत सारे कलर्स के होते हैं। तो आज हम ब्लड कंटेनर के कलर कोडिंग के बारे में पढ़ेंगे। जो ब्लड कंटेनर हैं कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग किस कलर के वायल में किस लिए ब्लड सैंपल लिया जाता है और उनमें कौन कौन टेस्ट आते हैं, ये सब हम इस वीडियो में जानेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो सबसे पहले यहाँ पर आता है पर्पल कलर की ट्यूब, पर्पल कलर की वाइल। इसका काम क्या होता है? हीमाटोलॉजी टेस्ट यानी कि ब्लड टेस्ट के लिए यूज़ की जाती है, ब्लड में एनालिसिस करने के लिए। अब यहाँ पे आगे है कंटेन ADTA। इसमें ADTA एंटीकोगुलेट होता है, जो कि जो पर्पल कलर की ट्यूब होती है उसके वाल्स में ये लगा होता है। एंटीकोगुलेट का काम क्या होता है? जो ब्लड होता है उसको क्लॉट होने से बचाता है। अगर ब्लड क्लॉट हो गया तो उसका वो ब्लड बेकार ही हो जाता है, इसलिए एंटीकोगुलेट उसमें होता है। तो ब्लड कलेक्ट करने के बाद हम करते क्या हैं कि जो कंटेनर होता है उसको 5 मिनट तक हम हिलाते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो एंटीकोगुलेट है वो प्रॉपर मिक्स हो जाना चाहिए जिससे ब्लड क्लॉट ना हो सके। अब यहाँ पर जो पिंक जो पर्पल कलर की ट्यूब है उसके लिए कॉमन टेस्ट कौन कौन से किए जाते हैं, जैसे कि FBC फुल ब्लड काउंट, ये टेस्ट होता है। फिर यहाँ पर इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट ESR जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं। फिर है ब्लड फिल्म फॉर एबनॉर्मल सेल्स और मलेरिया पैरासाइट के लिए ये टेस्ट होता है। अगला यहाँ पर है रेटिकुलोसाइट्स क्या होता है? ये टेस्ट बोन मैरो में न्यू RBC में कितना प्रोडक्शन, कितना अमाउंट में प्रोडक्शन हो रहा है, ये जानने के लिए ये रेटिकुलोसाइट्स टेस्ट किया जाता है। अगला यहाँ पर रेड सेल फ्लटेट। फिर है मोनोस्पॉट टेस्ट फॉर EBV। फिर है हीमोग्लोबिन A1C फॉर डायबिटिक कंट्रोल के लिए होता है। पैराथायराइड हार्मोन, ये भी जो है पर्पल कलर की ट्यूब का यूज किया जाता है पैराथायराइड हार्मोन में। फिर यहाँ पर अगली जो ट्यूब आती है पिंक कलर की वाइल, इसमें क्या होता है? द पिंक वॉटल्स वर्क इन द सेम वे एज द पर्पल वंस बट आर स्पेशली यूज ओनली फॉर वाइल ब्लड सैंपल्स बींग सेंट टू द ट्रांसफ्यूजन। ये जो पिंक कलर की वाइल होती है ये स्पेशली ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए यूज की जाती है। जैसे कि आगे हम इसकी में बात करेंगे, तो इसमें जो एंटीकोगुलेट होता है वो ADTA होता है, जो कि जो पर्पल कलर की ट्यूब में था ये एंटीकोगुलेट ADTA होता है। और फिर ये जो कॉमन टेस्ट यहाँ पे होते हैं पिंक कलर की ट्यूब में, जैसे कि ब्लड ग्रुप के लिए और क्रॉस मैचिंग के लिए ये जो है पिंक कलर की ट्यूब को यूज किया जाता है। फिर अगला यहाँ पे डायरेक्ट कॉम्बो टेस्ट के लिए हम पिंक कलर की ट्यूब यूज करते हैं। ये टेस्ट क्या होता है? फॉर ऑटो इम्यून हीमोलिटिक एनीमिया के लिए ये डायरेक्ट कॉम्बो टेस्ट होता है। फिर अगली आती है ब्लू कलर का कंटेनर, जिसमें आपको द ब्लू बॉटल्स इज यूज फॉर हीमाटोलॉजी टेस्ट इन्वॉल्विंग द क्लॉटिंग सिस्टम विच रिक्वायर इनएक्टिवेट वाल ब्लड। इसमें जो है ये आपका क्लॉटिंग सिस्टम इन्वॉल्व होता है और ये जो है इनएक्टिवेटेड वाइल ब्लड होती है एनालिसिस करने के लिए। और आगे इसमें कंटेन देखते हैं। अभी तक आपने जो पीछे ट्यूब पढ़ी थी उसमें आपने कंटेन ADTA पढ़ा था, अब लेकिन यहाँ पे जो कंटेन है वो सोडियम सिट्रेट है। ब्लू कलर के की ट्यूब जो वाइल है उसमें कंटेन सोडियम सिट्रेट है जो कि एंटीकोगुलेट है। अब यहाँ पर हम आगे देखते हैं इसके कॉमन टेस्ट की कुछ कोगुलेशन स्क्रीन के समय ये जो है टेस्ट करते हैं। ब्लीडिंग टाइम फॉर प्लेटलेट्स फंक्शन का मतलब होता है ब्लीडिंग के समय जो हम प्लेटलेट्स के फंक्शन चेक करते हैं, प्रोथ्रॉम्बिन टाइम के समय और एक्टिवेटेड पैराइटल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम और थ्रोम्बोन टाइम, इन सब टेस्ट के लिए हम ये जो ब्लू कलर की ट्यूब होती है इसको हम यूज करते हैं। अगला यहाँ पे है डी टाइमर फॉर थ्रोम्बोसिस, ये क्या होता है? थ्रोम्बोसिस की कंडीशन में हम डी टाइमर टेस्ट करते हैं। INR फॉर मॉनिटरिंग पेशेंट्स ऑफ वारफरिन,
INR मॉनिटरिंग पेशेंट्स को हम जो है ये टेस्ट करते हैं, एक्टिवेटेड पैराइटल थ्रोम्बोप्लास्टिन रेशियो, जो आपका इसको शॉर्ट में हम APTR भी कहते हैं। मॉनिटरिंग के समय इसका हम रेशियो चेक करने के लिए ये टेस्ट करते हैं। अगला यहाँ पे NTXA फॉर मॉनिटरिंग पेशेंट्स ऑन हाई डोज लो मॉलिकुलर वेट हेपरिन लाइक टीजेपरिन। फिर अगला यहाँ पे है आपका येलो कलर की वाइल, इसमें क्या होता है, दीज बॉटल्स आर यूज्ड फॉर ए हग वैरायटी ऑफ टेस्ट रिक्वायरिंग सेपरेटेड सीरम फॉर एनालिसिस इंक्लूडिंग बायोकेमिस्ट्री एंडोक्राइनोलॉजी ऑन्कोलॉजी टॉक्सिकोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी। दोस्तों इसमें क्या होता है, ये सेपरेटेड सीरम, इसमें जो कंटेन होते हैं वो सीरम और सीरम को सेपरेट कर देते हैं, सीरम और प्लेटलेट्स को सेपरेट कर देते हैं। इसमें इंक्लूड क्या क्या होते हैं, बायोकेमिस्ट्री के टेस्ट आते हैं, इंडोक्राइनोलॉजी के आते हैं, ऑन्कोलॉजी के, टॉक्सिकोलॉजी के, माइक्रोबायोलॉजी, ये सब इसमें टेस्ट आते हैं। इसमें अब यहाँ पे बात करते हैं यहाँ कंटेन की, जो एंटीकोगुलेट होता है वो यहाँ पे दो होते हैं। दोस्तों जो एंटीकोगुलेट होते हैं यहाँ पर एंटीकोगुलेट हैं वो दो कौन कौन से हैं, सिलिका पार्टिकल्स और सेपरेटिंग जेल, ये दो आपके एंटीकोगुलेट हैं, जो कि यहाँ पे सेपरेटेड सीरम और प्लेटलेट को सेपरेट कर देते हैं। जो येलो कलर की ट्यूब है इसका एक और नाम होता है सेपरेटिंग जेल भी इसको कहते हैं, इसको सेपरेटिंग जेल भी कहते हैं, और इसका एक और नाम होता है जेल ट्यूब भी इसको बोलते हैं कभी कभी। फिर अगला यहाँ पे इसके हम कुछ टेस्ट की बात करते हैं, कॉमन टेस्ट बायोकेमिस्ट्री टेस्ट आर द वन यू विल इनकाउंटर मोस्ट कॉमनली। बायोकेमिस्ट्री के टेस्ट जो होते हैं वो हम येलो कलर की ट्यूब में करते हैं, यूरिया एंड इलेक्ट्रोलाइट्स इंक्लूडेड यूरिया क्रिएटिनिन सोडियम एंड पोटेशियम। फिर अगला यहाँ पे है सी रिएक्टिव प्रोटीन CRP। लीवर फंक्शन टेस्ट, लीवर के फंक्शन के लिए हम जो टेस्ट करते हैं वो येलो कलर की वाइल में करते हैं, जैसे इसमें क्या क्या इंक्लूड हो सकते हैं, ALP AST GGT ये टेस्ट इसमें आते हैं। अगला यहाँ पे बोन प्रोफाइल मेनेंजाइसिम आयरन लिपिड प्रोफाइल थायराइड फंक्शन टेस्ट। फिर और यहाँ पे कुछ कॉमन टेस्ट हैं जैसे कि विटामिन B12 को जब हम एनालिसिस के करने के लिए येलो ट्यूब यूज करते हैं। अगला यहाँ पे है क्रिएशन काइटिनेज सीरम ओमेटोलॉटी इंडोक्राइनोलॉजी। इंडोक्राइनोलॉजी दोस्तों क्या होता है, ये जो हार्मोन्स होते हैं उनकी एबनॉर्मलिटी देखने के लिए हम इंडोक्राइनोलॉजी टेस्ट करवाते हैं। अगला यहाँ पे ट्यूमर मार्कर्स टॉक्सिकोलॉजी इथेनॉल कैन बी टॉक्सिकोलॉजी क्या होता है दोस्तों, कभी कभी क्या होता है जब कोई इंडिविजुअल कोई पर्सन ड्रग ले लेता है तो उसको जानने के लिए कि कौन सा ड्रग लिए उसके लिए टॉक्सिकोलॉजी टेस्ट करते हैं। अगला यहाँ पे है कुछ ड्रग लेवल्स, ड्रग का लेवल जानने के लिए हम ये जो टेस्ट करते हैं। अगला यहाँ पे माइक्रोबायोलॉजी टेस्ट दोस्तों क्या होता है, कोई भी किसी भी इंडस्ट्री में जो है कई सारे वहाँ पे बैक्टीरिया वायरल फंजाई पैरासाइट वायरसेस होते हैं, उस समय जो टेस्ट होता है वो माइक्रोबायोलॉजी टेस्ट में आते हैं। अगला यहाँ पे इम्यूनोलॉजी टेस्ट हम जो करते हैं वो येलो कलर की ट्यूब में उसका ब्लड कलेक्शन लेते हैं। फिर यहाँ पे अगला आता है ग्रे कलर की ट्यूब, द ग्रे बॉटल्स इज ऑनली यूज्ड फॉर टू टेस्ट सो कंपेयर्ड टू द येलो वन इट्स फेयरली ईजली टू रिमेंबर इट्स यूज्ड फॉर बायोकेमिस्ट्री टेस्ट एंड रिक्वायरिंग वाइल ब्लड फॉर एनालिसिस। ग्रे कलर की ये बॉटल होती है, ये स्पेशली शुगर टेस्ट के लिए यूज की जाती है। इसमें जो एंटीकोगुलेट कंटेन होता है वो सोडियम फ्लोराइड होता है, दूसरा होता है पोटेशियम ऑक्सीलेट। इसमें दो एंटीकोगुलेट होते हैं, सोडियम फ्लोराइड और पोटेशियम ऑक्सीलेट। और इसके कॉमन टेस्ट जैसे आते हैं ग्लूकोज, दिस कैन बी फास्टिंग और नॉन फास्टिंग पार्ट ऑफ ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, जिसको आप GTT बोलते हैं, इस टेस्ट के लिए ये यूज की जाती है। अगला यहाँ पे रेड कलर की बॉटल, जिसमें इट इज़ यूज्ड फॉर बायोकेमिस्ट्री टेस्ट रिक्वायरिंग सीरम विच माइट एंड
एडवर्सली अफेक्टेड सेपरेटर जेल यूज्ड इन येलो बॉटल्स। ये जो है ये स्पेशली बायोकेमिस्ट्री टेस्ट के लिए होती है। उसमें क्या होता है, केमिस्ट्री टेस्ट, इम्यूनोलॉजी टेस्ट, ये इसमें आते हैं टेस्ट। इसमें जो कंटेन होता है वो जो आपने येलो कलर की ट्यूब में यूज किया था सेपरेटर जेल, वही है। अगला यहाँ पे सिलिका पार्टिकल्स भी होता है इसमें कंटेन। और इसके कुछ कॉमन टेस्ट जैसे हैं, द यूज ऑफ दिस बॉटल्स वायरियस ग्रेटली, हार्मोन्स जो इंक्लूड हार्मोन्स के लिए जो टेस्ट कराते हैं वो, और टेक्सिकोलॉजी, ड्रग लेवल्स, बैक्टीरियल एंड वायरल, सीरोलॉजी, एंटीबॉडीज, इन टेस्ट के लिए ये जो है रेड कलर की ट्यूब को यूज किया जाता है। अगला यहाँ पे है डार्क ग्रीन, दिस लेस कॉमनली यूज्ड बॉटल इज़ फॉर बायोकेमिस्ट्री टेस्ट व्हिच रिक्वायरिंग हेपराइज्ड प्लाज्मा और वाइल्ड ब्लड फॉर एनालिसिस। इसमें क्या होता है, ये स्पेशली इसमें जो कंटेन होता है सोडियम हेपेरिन होता है दोस्तों, और कॉग्नेट होता है वो सोडियम हेपेरिन होता है। ये बायोकेमिस्ट्री टेस्ट के लिए यूज की जाती है। इसके कॉमन टेस्ट जैसे हैं कि अमोनिया का टेस्ट होता है, इंसुलिन, रेनिन एंड एल्डोस्टेरोन टेस्ट के लिए ये जो है ग्रे कलर की ट्यूब का यूज किया जाता है। अगला यहाँ पे है लाइट ग्रीन जो ट्यूब होती है वो बायोकेमिस्ट्री टेस्ट रिक्वायरिंग सेपरेटेड हेपराइज्ड प्लाज्मा, इसके लिए यूज की जाती है। इसमें जो कंटेन होता है, जो एंटीकोगुलेट होता है वो लिथियम हेपेरिन होता है, इसमें एंटीकोगुलेट लिथियम हेपेरिन होता है। और यहाँ पे कॉमन टेस्ट इसके लिए से बायोकेमिस्ट्री के कुछ टेस्ट होते हैं और केमिस्ट्री की टेस्ट उसके लिए यूज की जाती है। अगला यहाँ पे है डार्क ब्लू यूज फॉर टेक्सिकोलॉजी एंड ट्रेस एलिमेंट सच एज जिंक, सिलीनियम एंड कॉपर। येलो बॉटल्स कैन आल्सो यूज फॉर दीज, इसके लिए यूज होती है। अगला यहाँ पे ऑरेंज कलर की ट्यूब कंटेन ए थ्रोम्बिन बेस्ड क्लॉट एक्टिवेटर व्हिच अलाउज दैट सीरम, जो ऑरेंज कलर की ट्यूब होती है ये सीरम टेस्ट के लिए यूज की जाती है। इसमें क्या होता है, थ्रोम्बिन बेस्ड एक्टिवेट होता है ये, और ये सीरम टेस्ट के लिए यूज की जाती है। अगला यहाँ पे है वाइट कलर की ट्यूब आती है जिसको मॉलिकुलर डायग्नोस्टिक के लिए यूज की जाती है। अगला यहाँ पे ब्लैक कलर की जो ट्यूब होती है उसका यूज करते हैं हम पीडियाट्रिक ESR के लिए। ये क्या होता है, जब भी होल बॉडी में कोई इन्फ्लामेशन हो जाता है तब हम ESR टेस्ट को प्रिस्क्राइब करते हैं। इसका सैंपल जो है हम ब्लैक ट्यूब में लेते हैं। तो दोस्तों बस आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो वीडियो है जो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें।